हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अशोक उपाध्याय, स्टूडेंट ऑफ किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ 2022 बैच। तो अभी तक देखो जो फिजिक्स की सीरीज चल रही थी उसमें हमने चार वीडियोस को कवर कर लिया था। उसमें हमने काफ़ी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रखी थी, लगभग ये मान चलो कि हमने 150+ ठीक है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लिया था। तो इस वीडियो में हम और भी क्वेश्चंस के फिजिक्स के प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि देखो जो फिजिक्स का पोर्शन होता है सभी को परेशान करता है, सभी को क्या, मुझे भी परेशान किया था फिजिक्स, है ना। तो इसलिए मैं अभी तक अगर सबसे ज़्यादा मैं किसी की प्रैक्टिस कराया हूँ क्वेश्चंस की तो फिजिक्स ही है। क्योंकि फिजिक्स देखो सभी का, ठीक है, सभी को मतलब इसमें परेशानी होती है और इसके क्वेश्चंस को मतलब समझने में कैसे आते हैं कैसे नहीं आते हैं एज़ कम्पेयर टू बायोलॉजी केमिस्ट्री और जो भी और मैं नर्सिंग एप्टीट्यूड ये सब जो है उनसे मतलब थोड़ा इसका जो लेवल होता है टफ होता है। बट इतना भी टफ़ नहीं होता कि मतलब जितना हमें लोग डरा देते हैं ना कि मतलब इसमें न्यूमेरिकल आते हैं ये वो दुनिया भर की बातें हैं ना, तो ऐसा देखो कुछ भी नहीं होता है। जैसे इसमें क्वेश्चन हैं, ठीक है, वैसे ही आते हैं। और मैंने आपको जो प्रीवियस ईयर का मतलब पेपर था उसको मैंने अपलोड किया है अपने चैनल पर, तो आप जाके उसको देख सकते हो कि क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, ठीक है, फिजिक्स के। अभी मैं जैसा करा रहा हूँ सेम ऐसे ही मतलब इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसके सीनेट के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो कहीं ज़्यादा इधर उधर, ठीक है, पढ़ने की कोई बहुत ज़रूरत नहीं है कि आप न्यूमेरिकल, ठीक है, पढ़ो या करो करो न्यूमेरिकल, हाँ थोड़ा बहुत देख लो जो भी ऐसे डायरेक्ट मतलब फार्मूला बेस्ड हो। देखो न्यूमेरिकल को करने से अच्छा है ना आप जो फार्मूले हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, जितने भी फार्मूले हैं हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट उन सबको आप मार्क करके, ठीक है, एक पेज पर लिख लो और उसको अभी रिवाइज़ करते रहो, ठीक है। 3-4 दिन अगर आप उसको रिवाइज़ करोगे प्रॉपर रोज डेली ना तो आराम से, ठीक है, आपको लर्न हो जाएगा। वहीं से क्वेश्चंस वो भी 1 से 2 पूछा जाएगा। अगर आप उसके लिए ना भी एफर्ट लगाते हो तो भी आपके लिए, ठीक है, इनफ एट इतनी प्रिपरेशन, अगर आप थियरी अच्छे से कवर की हो फिजिक्स की तो आपके लिए सफिशियंट है, ठीक है। आप 1-2 क्वेश्चन के पीछे अपना इतना टाइम बर्बाद करोगे उससे अच्छा है आप कोई और, ठीक है, पोर्शन तैयार कर लो, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। तो चलते हैं अभी स्क्रीन पर हम। तो पहले क्वेश्चन में क्या बोला है, पहले क्वेश्चन में बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। किसी इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो मास ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए क्या है, सही है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या है, इट वेरीज एट डिफरेंट लोकेशंस। सेकेंड है, इट रिमेन कॉन्स्टेंट। इट कैन बी मेजर्ड यूजिंग स्प्रिंग बैलेंस। इट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो 138 का कौन सा सही होगा, सेकंड होगा इट रिमेंस कॉन्स्टेंट, ठीक है। 139 क्वेश्चन बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वन ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी इन फिजिकल, ठीक है। तो इनमें से कौन सी है जो फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, तो लेंथ होता है, टाइम होता है, मास होता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, वेट जो होता है, वेट क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। 140 क्वेश्चन बोला है कि द मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज़ एन एग्जांपल ऑफ, ठीक है, किसका एग्जांपल है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यूनिकली स्पेशली। तो किसका एग्जांपल है, किसका एग्जांपल है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, ठीक है। तो जो फ्रीली फॉलिंग बॉडी है किसका एग्जाम्पल है, यूनिफॉर्मली मोशन का, ठीक है। 141 क्वेश्चन बोला कि ए बॉडी ऑफ मास 5 kg एक्सेलरेट्स फ्रॉम 12 m/s टू 20 m/s इन 4 seconds, ठीक है, 4 seconds ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, फोर्स को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 20 - 12, जो डिफरेंस आएगा 20 - 12/4, ठीक है। जो एक्सेलरेशन हो जाएगा कितना आ जाएगा, 20 - 12, अपॉन 4 अगर इसके हम निकालेंगे, ठीक है। तो जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन आ जाएगी हमारी कितना, 2 m/s², ठीक है। अब उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो मास कितना है, मास 5 है, एक्सेलरेशन 2 आया, तो कितना हो जाएगा, 10, ठीक है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फॉर अ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इट्स अ फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू, इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी किसकी इक्वल होगी, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, सेकेंड ऑप्शन सही है, 2 × एवरेज वेलोसिटी - इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है।
143 क्वेश्चन में बोला है द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है क्या बताता है, ये बताता है स्पीड, ठीक है। 144 क्वेश्चन बोला है कि इफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ कर्व देन इट इज रिप्रेजेंट, ठीक है। जो डिस्टेंस टाइम का ग्राफ होता है क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, यूनिफॉर्म स्पीड, कॉन्स्टेंट डिस्प्लेसमेंट, एंड और ऑप्शन देख लेते हैं, यूनिफॉर्म मोमेंटम एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यस। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, फोर्थ होगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। 145 क्वेश्चन में बोल रहा है कि एज द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल्स डिस्टेंस है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट्स सेड टू बी इन, ठीक है, क्या है, यूनिफॉर्म, लीनियर, नॉन यूनिफॉर्म, इक्विलिब्रियम, कैसा मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, कैसा मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। 146 क्वेश्चन बोल रहा है कि इन द इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस at, u रिप्रेजेंट, तो जो v होता है इक्वेशन जो है इक्वेशन ऑफ मोशन में, जो u होता है u क्या रिप्रेजेंट करता है, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। 147 क्वेश्चन में बोला है द टाइम पीरियड ऑफ ए साउंड वेव इज 0.01 सेकंड, फाइंड द फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज, ठीक है, जिसमें हमको फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना है। तो इस देखो इसका जो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है एफ इक्वल टू क्या होता है, एफ इक्वल टू होता है 1/T, ठीक है, तो टी की वैल्यू कितना दी है यहाँ पे, ठीक है, 0.01, तो ऊपर कितना जाके हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 हर्ट्ज, ठीक है, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, 100 हर्ट्ज, ठीक है। द एसआई यूनिट ऑफ द कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। 149 क्वेश्चन बोला है इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अ सरफेस ऑफ अर्थ इज जी, देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ प्लैनेट हुज मास इज द सेम एज द अर्थ एंड रेडियस ट्वाइस, ठीक है, तो इसका कौन सा 149 है ना, तो 149 में स्मॉल जी इज इक्वल टू होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, तो इस हिसाब से कौन सा होगा, जी बाई फोर, ठीक है, तो 1 पास्कल इक्वल्स कितने के इक्वल होता है, जो 150 में है, ठीक है, 1 पास्कल कितने के इक्वल होता है, सेकंड के न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद 151 क्वेश्चन में बोला है द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज द, ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है, किसी सब्सटेंस की जो होती है क्या होती है, पहला ऑप्शन देख लेते हैं, इसमें बोला है कि रेशियो ऑफ इट्स डेंसिटी टू बी डेंसिटी ऑफ वाटर, तो बिल्कुल सही, जो पहला ही ऑप्शन इसका सही है, क्या होगा, वाटर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। 152 क्वेश्चन बोला है द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, पहला ऑप्शन क्या है, इज ग्रेटर एट पोल्स देन इक्वेटर, तो बिल्कुल सही, जो पहला ही ऑप्शन इसका सही है, क्या होगा, ज़्यादा होता है पोल्स देन इक्वेटर, ठीक है, इज ग्रेटर देन पोल देन इक्वेटर। 153 क्वेश्चन बोला है द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी इक्वल टू, ठीक है, तो ऑप्शन एक बार पढ़ लेते हैं, पहले ऑप्शन दिया है कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकेंड है रेशियो ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फोर ग्रेविटेशनल फोर्स एंड मास, फोर्थ दिया है कि रेसिप्रोकल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो 153 का जो मतलब मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है क्या है, वो फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। 154 क्वेश्चन बोला कि इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ इज जी स्मॉल जी, देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सर्फेस ऑफ प्लैनेट हुज मास इज हाफ एंड अर्थ एंड रेडियस इज द सेम एट द अर्थ, तो 154 में देखो जो स्मॉल जी इज इक्वल टू होता है, इसमें स्पेस नहीं बट बता, स्मॉल जी इज इक्वल टू होता है कैपिटल जी एम अपान, ठीक है, आर स्क्वायर, तो आप जब इस फार्मूले में, ठीक है, इस फार्मूले से आप सॉल्व करोगे इसको, ठीक है, 154 को, उसके बाद यहाँ पे आपको, ठीक है,
जैसे आपको जो मास है, मास को M1 मानना है, R1 मानना है, दूसरे का क्या M2 R2 मानना है। तो जब इससे आप इसको इक्वल करोगे तो जो मास आएगा मतलब G1 की वैल्यू जो आएगी, ठीक है, अगर आप कैपिटल जी को कांस्टेंट मान लोगे तो जो जो G1 की वैल्यू आएगी क्या आएगी, G/2 आ जाएगी। ठीक है, इसको आप लोग एक बार फिर से खुद से सॉल्व करना, ठीक है, जो मैं बताया हूँ 154, ठीक है, इसको आप एक बार खुद से सॉल्व करना, देखना कि मतलब आप इसको सॉल्व कर पाते हो, अगर नहीं आता तो फिर आप कहीं से इसकी हेल्प लेना। ठीक है, 155 क्वेश्चन बोला कि फाइंड द एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्रोड्यूस्ड बाय अ बॉडी ऑफ मास 10 kg व्हेन फोर्स इज 20 N इज अप्लाइड। ठीक है, तो इसको देखो आप लोग, ठीक है, खुद सॉल्व करोगे न्यूमेरिकल, ठीक है, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, उस स्पेस की भी यहाँ पे कमी है, बट ठीक है, एक बार आप लोग खुद से सॉल्व करोगे तो आपको एक आइडिया लगेगा कि जो न्यूमेरिकल्स आते हैं किस तरह के आते हैं। ठीक है, आप सॉल्व इसको कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो ऐसे देखो जो भी एक दो अगर न्यूमेरिकल आते भी हैं तो ऐसे ही आएंगे। ठीक है, तो आप अपने आप को देख लो, चेक कर लो यहाँ पे कि आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, 156 क्वेश्चन बोल रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ए बॉडी एंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द इक्वल द, ठीक है, तो क्या एक्टिंग ऑन इट क्या होगा, फोर्स, इम्पल्स, टॉर्क, काइनेटिक एनर्जी। तो 156 में क्या होगा, फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो 157 क्वेश्चन में बोल रहा है कि कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ अ साउंड वेव ऑफ वेव लेंथ 5 meter ट्रेवलिंग विथ स्पीड 500 meter per second। ठीक है, तो सबसे पहले देखो जो टाइम पीरियड टी इक्वल टू क्या होता है, 1/T होता है। ठीक है, टाइम पीरियड इक्वल टू होता है 1/T फ्रिक्वेंसी, जो फार्मूला दिया है कि एफ इक्वल टू क्या, C/लैम्ब्डा। ठीक है, फार्मूला होता है एफ, ठीक है, एफ अपॉन C/लैम्ब्डा। तो फ्रीक्वेंसी कैपिटल सी की वैल्यू कितना दिया है, 500, और लेमडा की वैल्यू दिया है 5। ठीक है, तो क्या आ जाएगा फ्रीक्वेंसी, 1 frequency आ जाएगी 100 Hz आ जाएगी। ठीक है, वो 100 Hz आ जाएगी। फिर जो टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड टी इक्वल टू होता है 1/f। ठीक है, तो 1/ फ्रीक्वेंसी कितनी 100 आई है, तो 1/f 1/100 कितना आ जाएगा, 0.01 सेकेंड। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ इसको। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले देखो टाइम, जो टाइम पीरियड टी इक्वल टू होता है 1/f होता है। ठीक है, हमें क्या टाइम पीरियड को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है C/लैम्ब्डा। तो C की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 500, और लैम्ब्डा की वैल्यू दी है 5। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी यहाँ से आपकी, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी यहाँ से 100। ठीक है, हर्ट्ज। अब टाइम पीरियड मैंने यहाँ ऊपर बताया था क्या होता है, 1/f। तो जब टाइम पीरियड टी इक्वल टू 1, अब फ्रीक्वेंसी 100 आई है, तो 1/100 करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.1। ठीक है, 0.01 सेकेंड। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में 158 में क्या बोला है, कि बोला है ड्यूरिंग द फ्री फॉलिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट द डिक्रीजेज इन पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट इट्स पाथ अपीयर्स एन इक्वल अमाउंट ऑफ इन केस इन। ठीक है, किस केस में होता है, काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन, हीट एनर्जी, एंड फोर्थ क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो 158 का कौन सा होगा, फर्स्ट होगा काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इन क्या इंक्रीज करती है, काइनेटिक एनर्जी। 159 में बोला है कैलकुलेट द प्रेशर इन पास्कल। ठीक है, इफ द थ्रस्ट इज 1000 N इज अप्लाइड इन एरिया 5 m². ठीक है, तो 159 को देखो सॉल्व करने का तरीका होता है, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, थ्रस्ट अपॉन एरिया होता है। ठीक है, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू होता है थ्रस्ट अपॉन एरिया। तो बाकी देखो सब वैल्यू दी ही है मैं आपको, ठीक है, फार्मूला बता दिया हूँ, प्रेशर इज इक्वल टू होता है थ्रस्ट अपॉन एरिया। इसमें आप जब वैल्यू इसको पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 1000 अपॉन, ठीक है, 5, तो कितना आ जाएगा, 200 Pascal आ जाएगा। इसको एक बार सॉल्व कर लेना आप। ठीक है, अब 160 क्वेश्चन में बोला है कि 1 kW है ना कितने के इक्वल होता है। तो जो 1 kW होता है, इक्वल होता है, ये इसको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये है वैल्यू 3.6 × 10^6 J। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, केवल सीनेट में ही नहीं बल्कि जैसे पहले जो एग्ज़ाम होते थे
चाहे GSVM का होता था, चाहे UPUM SFI का होता था, तो उन सब एम्स के ठीक है जो एग्ज़ाम्स होते हैं इसके नर्सिंग के, उन सब में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसी तरह के, ठीक है। MNS का भी जो एग्ज़ाम होता था उसमें भी क्वेश्चंस पूछे जाते थे, ठीक है, ये सब वैल्यूज़ के क्वेश्चन, ठीक है, जो होते हैं। 161 में बोला है कि एंड बॉडी केप्ट इन अ फ्लूइड एक्सपीरियंसेस अपवर्ड फोर्स इज कॉल्ड, तो जो अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करती है बॉडी उसको क्या बोलते हैं, अपथ्रस्ट फोर्स बोलते हैं, ठीक है। 162 क्वेश्चन बोल रहा है कि ड्यू टू द एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 m/s² द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इन इंक्रीजेज फ्रॉम 5 m/s टू 10 m/s इन अ सर्टेन पीरियड, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इन द दैट पीरियड, ठीक है। तो इसमें देखो जो लॉ होता है ना v² - u² = 2as, ठीक है। तो जब v² and u², ठीक है, इज इक्वल टू 2as में जब वैल्यूज पुट करोगे तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से लगभग आएगी आपकी ये 37.5 के आसपास, ठीक है, ये आएगी कितने 37.5। मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ, बाकी सॉल्व आप लोग खुद करना। v² - u² = 2as, ठीक है, v² - u² = 2s। इसमें आप जब फार्मूले में, ठीक है, सब वैल्यूज पुट कर दोगे, सभी देखो वैल्यूज, v की वैल्यू दी है, u की वैल्यू दी है, a की वैल्यू दी है, बस आपको क्या करना है s की वैल्यू यहाँ से निकालना है, तो कितना आ जाएगा 37.5 आ जाएगा, ठीक है। 163 क्वेश्चन में बोला कि एज एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली इट्स, ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल करता है तो क्या होता है, इसका कौन सा ऑप्शन सेकंड होगा, पोटेंशियल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। 164 में बोल रहा है कि ए बुलेट ऑफ मास 10 g इज फायर्ड विथ वेलोसिटी 20 m/s फ्रॉम गन ऑफ मास 2 kg, फाइंड द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन, ठीक है। तो जो क्वेश्चन है इसमें मोमेंटम, ठीक है, आपको निकाल लोगे मोमेंटम कितना आ जाएगा, मोमेंटम निकाल के, ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपको वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। तो वेलोसिटी आप जब निकालोगे इसको सॉल्व एक बार खुद से कर लेना, कितना आ जाएगा 0.1 के आसपास आएगा, हाँ 0.1, ठीक है, 0.1 आएगा रिक्वायर्ड वेलोसिटी m/s में, ठीक है। तो इसको एक बार आप खुद से, सबसे पहले देखो उसमें आप जो बुलेट है बुलेट का मोमेंटम निकालना, फिर गन का मोमेंटम निकालना, ठीक है, फिर दोनों को करना क्या, इक्वल कर देना है, ठीक है। तो जो देखो बुलेट का मोमेंटम आएगा 200 आएगा, और जो मोमेंटम ऑफ उसका आएगा, क्या बोलते हैं, जो गन का मोमेंटम आएगा 2000 × v, ठीक है। जब 200 = 2000 × v करोगे तो वहाँ से v की वैल्यू आप निकाल लेना, कितनी आ जाएगी 0.1 m/s आ जाएगी, ठीक है। p = mv होता ना, तो p = m1v1 एंड पी एम एम टू बी टू, ठीक है, m1v1 = m2v2 जो इक्वेशन होती है, ठीक है, मोमेंटम की, इसमें आप जब वैल्यूज को पुट करोगे m1v1 = m2v2, तो वहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी 0.1 से, ठीक है, आ जाएगी। इफ़ अ फिजिकल क्वांटिटी हैज़ द यूनिट एम्पियर मीटर, ठीक है, एम्पियर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, दैट वॉट आर द डायमेंशंस, ठीक है। तो 165 का कौन सा सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसमें बोल रहा है कि फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन बॉडी ऑफ मास 3 kg व्हेन फोर्स इज 6 N अप्लाइड, ठीक है, 166 में, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, a = होता है f/m, ठीक है। तो आपको यहाँ पे f की वैल्यू दी है और m की वैल्यू दी है, इससे आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा कितना, 2 m/s², ठीक है, a = f/m, ठीक है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन सिंपल जो न्यूमेरिकल आते भी हैं, सिंपल ऐसे आते हैं, ठीक है। तो आपको इसमें काफ़ी मैं न्यूमेरिकल, ठीक है, इसमें इंक्लूड किया हूँ, तो आपको जो अभी तक डाउट था सभी का, मतलब न्यूमेरिकल जो होते हैं कैसे आते हैं, तो देखो इसी तरह के न्यूमेरिकल जो हैं वो आते हैं, ठीक है। तो आप एक आइडिया लगा लो कि जो न्यूमेरिकल आपको वहाँ पे करने को मिलेंगे सेम ऐसे ही मिलेंगे, कोई बहुत टफ नहीं आता है एग्ज़ाम में। अब 167 क्वेश्चन में बोला कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी एंड एवन विच एक्सेलरेशन फ्रॉम 10 m/s टू 20 m/s इन 4 s, ठीक है। तो इसका देखो मैं फार्मूला, ठीक है, पहले बता चुका हूँ, v2 - v1/s, ठीक है। तो कौन सा क्वेश्चन था, 167, ठीक है। तो 167 क्वेश्चन एक बार देखते हैं। 167 क्वेश्चन बोला है फाइंड द एक्सेलरेशन इन m/s² ऑफ ए बॉडी विच एक्सेलरेशन है फ्रॉम 10 m/s टू 20 m/s
ठीक है, इन 4 सेकंड। तो इसका फार्मूला देखो मैं पहले बता चुका हूँ, इसको आप लोग खुद से सॉल्व करना, ठीक है। 167 को आपको खुद से सॉल्व करना है, इसका फार्मूला मैं पहले बता चुका हूँ, करा भी चुका हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे कैसे आया है, ठीक है। 168 क्वेश्चन बोला है कि मोर डेंसिटी ऑफ ए पार्टिकल इन मीडियम थ्रू विच साउंड ट्रेवल क्रिएट मोर क्या प्रेशर एंड वाइस वर्सा, ठीक है। 169 क्वेश्चन बोला है कि अ बॉडी ऑफ मास 8 kg इन मूविंग वेलोसिटी ऑफ 4 m/s फाइंड इट्स मोमेंटम, ठीक है। तो मोमेंटम कितना, पी इज इक्वल टू क्या होता है, mv होता है, ठीक है। क्या, पी इज इक्वल टू mv, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा, ठीक है। 170 क्वेश्चन बोला है कि इफ़ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज डबल्ड देन इट्स मोमेंटम, अगर बॉडी का क्या किया जाए, वेलोसिटी डबल किया कर दिया जाए तो मोमेंटम में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इसी क्वेश्चन देख लो, जो पी होता है, पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, जब वेलोसिटी 2 times मोमेंटम में क्या हो जाएगा, 2 times हो जाएगा, ठीक है। 171 क्वेश्चन में बोला कि द मोमेंट ऑफ ए हॉर्स लॉ कैरियर्स इज एन एग्जाम्पल विच ऑफ द प्रिंसिपल फिजिकल फिजिक्स, ठीक है। तो किस क्या होगा इसका सही ऑप्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है। 172 क्वेश्चन बोला है कि वाई डू वाटर ड्रॉप्स ऑलवेज टेक्स राउंड शेप व्हेन ड्रॉप्ड ऑन टू प्लेन सरफेस। तो इसका देखो जो रीजन होता है, सीधा रीजन ही बता देता हूँ, 4th ऑप्शन होगा कि ड्यू टू एक्सर्शन ऑफ सरफेस टेंशन बाय मॉलिक्यूल्स, सरफेस टेंशन इसका जो है रीजन होता है। 173 क्वेश्चन बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द ग्रेट, ठीक है, पैराडिम्स ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। पहला है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपेरेटिव बायोकेमिस्ट्री, डार्विन थियरी ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। तो 173 का क्वेश्चन होगा, सेकंड होगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है। 174 क्या बोला है, ए नॉटिकल माइल इज इक्वल टू, किस कितने के इक्वल होता है 174 में, 1852 meters के इक्वल होता है इसको, ठीक है। इसको याद कर लेना है, याद करने वाली क्वेश्चन है। तो कितना होगा, 1852 meters। आइडेंटिफाई द यूनिट ऑफ मीजरिंग इंटेंसिटी ऑफ साउंड, तो साउंड की इंटेंसिटी हम किस में मीजर करते हैं, डेसिबल में, ठीक है। तो किस में करते हैं, डेसिबल में, ठीक है। उसके बाद 176 में बोला, द टर्म इज अ प्रीफिक्स टू साइंटिफिक टर्म डिस्क्राइब सम थिंग्स कॉन्स्टेंट, तो क्या होता है, आईसो, ठीक है। आईसो का यूज़ करते हैं हम कुछ प्रीफिक्स, ठीक है, समथिंग इज कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो 177 बोला कि हर्ट्ज द एसआई यूनिट ऑफ, हर्ट्ज होता है किसकी एसआई यूनिट होती है, तो किसकी होती है, सभी को पता है फ्रीक्वेंसी की होती है। 178 क्वेश्चन बोला कि व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड टू अ फ्लूइड द प्रेशर चेंज इज ट्रांसमिटेड टू एवरी पार्ट ऑफ द फ्लूइड विदाउट एनी लॉस, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एक्सप्लेन हिज फिनोमिना, ठीक है। तो इसको किसने किया था एक्सप्लेन, तो इसको किया था पास्कल्स लॉ ने, ठीक है। 4th ऑप्शन इसका सही होगा, पास्कल्स लॉ, ठीक है। तो फिलहाल अभी इस वीडियो में हम फिलहाल इतना ही क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। बाकी के जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे, अभी और भी वीडियोस आएंगे, ठीक है। तो आप लोग देखो अभी ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, जो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू आप थ्योरी पे ज़्यादा, ठीक है। अभी थ्योरी पढ़ने का आपके पास टाइम नहीं बचा है, ठीक है। आपके पास जो भी टाइम बचा है थ्योरी बस वही पढ़ो जहाँ पे जैसे कुछ आपके किसी चैप्टर के टॉपिक्स आपको क्लियर नहीं, ठीक है, तो आप उसी की थ्योरी पढ़ो ना कि, ठीक है, आप सभी चीज़ की थ्योरी पढ़ो। अभी आपको अभी ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, और क्वेश्चन चाहे आपको जहाँ से भी मिले, ठीक है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मत करो, ठीक है, मॉडरेट लेवल के तक के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। और आप लोगों के बहुत सारे लोगों के डाउट थे न्यूमेरिकल, ठीक है, तो न्यूमेरिकल इस वीडियो में काफ़ी मैंने बताया आपको। तो देखो जो न्यूमेरिकल आते भी हैं ऐसे ही आते हैं, और आते हैं 2-3 आते हैं, तो आपको उसके लिए ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। अगर आप उसको छोड़ भी देखो तब भी आपका सिलेक्शन एक अच्छे कॉलेज में आराम से हो जाएगा, जितना आप उसमें एफर्ट अभी आप, ठीक है, परेशान हो रहे हो न्यूमेरिकल्स, ठीक है, करने में या फिर फार्मूले याद करने में, उससे अच्छा आप अगर किसी और सब्जेक्ट में, ठीक है, अगर आप नर्सिंग एप्टीट्यूड में उतना आप अगर अपना एफर्ट दे दो ना, तो आराम से आपके 35+ क्वेश्चन सही हो जाएंगे नर्सिंग एप्टीट्यूड में, ठीक है। वैसे आप जीके में भी कर सकते हो, इंग्लिश में भी कर सकते हो, ठीक है, ना कि आप परेशान हो इस न्यूमेरिकल के लिए, ठीक है, कि न्यूमेरिकल कैसे करें, ठीक है, क्या करें, कैसे आते हैं। अगर आपको, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी है, ठीक है, अगर आपने अभी तक प्रैक्टिस नहीं किया तो कोई बात नहीं, ठीक है, आप उसके लिए इतना परेशान मत हो, इतना न्यूमेरिकल नहीं आता, 2-3 आता है, उससे कोई आपको फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। और अभी फालतू के, ठीक है, आप इधर उधर, ठीक है, जो भी
मतलब आप सर्च कर रहे हो ठीक है यूट्यूब पे, या फिर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो ठीक है इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे, ठीक है जहाँ भी, तो प्लीज़ अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम तक ये सब चीज़ें बंद कर दो, अपने पढ़ाई पे फोकस करो ठीक है। अभी आपका अगर एक बार सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद बहुत आपको टाइम मिलेगा फ़ोन चलाने के लिए ठीक है, इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप, ठीक है आप जो भी चला रहे हैं ठीक है, बस इन सब का यूज़ तभी करो जब आपका पढ़ाई से कुछ भी काम हो ठीक है, तभी आप फ़ोन को यूज़ करो। बाकी ठीक है मेन आपको जो काम है पढ़ाई करना, फोकस के साथ अच्छे से पढ़ाई करो, सिलेक्शन लो ठीक है, कॉलेज में पहुंचो, उसके बाद ठीक है सब कुछ आपके लिए फिर अच्छा ही अच्छा होगा। तो आई होप ठीक है आपको जो वीडियो है पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब फॉर माय मोटिवेशन एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।